है गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ज़्यादातर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उस सबको देखिए। और डेली के बेसिस पे आपको कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाना है, और यहाँ पे हम 1 प्रैक्टिस सेट आपको डेली दे रहे हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आपके अंदर सुधार हो, ठीक है। तो मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और आपको तरीका मालूम चलेगा कि नहीं किस प्रकार किया जाता है। देखिए, ये विद्या का प्रैक्टिस सेट है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज चलाई जा रही है और अरिहंत से भी हम करा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लास्ट समय तक हम आपके साथ बजने रहेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बता दें आपको कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो आप इस वीडियो को एकदम स्किप मत करिए, एक एक चीज़ देखिए और एक पेन और कापी लेके ज़रूर बैठिए। मैं हर क्वेश्चन में यदि कोई फैक्ट होगा, वहाँ पे कोई चीज़ होगी, तो उस चीज़ को मैं बताता चलूँगा, और जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, अगर उस टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा तो भी मैं बताऊँगा कि नहीं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, एकदम स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए। चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि सी टॉक्स एज, मतलब कि वह बात करती है ऐसे कि जैसे इफ़ सी वर मैड। अब देखिए यहाँ पे सिंपली जैसे कि इफ आता है ना, इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, सॉरी उसके बाद जो आता है वो वर आता है, ठीक है। इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि इफ़ आई वर राजा, सॉरी इफ़ आई वर अ किंग, ऐसे करके आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, सी यानी कि सी टॉक्स एज इफ सी वर मैड, मतलब कि वह बात करती है जैसे कि वह क्या हो, पागल हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स प्रीपोजिशन फील करना है। देखिए दिया है कि आवर विलेजर्स, ठीक है, आवर विलेजर्स मतलब हमारे ग्रामीणवासी जो हैं, कि वोटेड, स्पेस दिया है कि द कांग्रेस कैंडिडेट्स। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वोट के साथ हमेशा फार का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लिख लीजिए, पेन उठाइए और इसको लिख लीजिए कि वोट के साथ हमेशा फार का प्रयोग किया जाता है। आप इलेक्शन में अक्सर देखते होंगे कि बोलता है कि वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर कांग्रेस, ऐसे करके बोलते हैं हमेशा लोग। तो क्या होता है, वोट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वोट फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट्स यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हमारे ग्रामीणों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया, ठीक है। चलिए समझ पा रहे हैं। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे करेक्ट वर्ड चुनना है माई डियर फ्रेंड्स। पैरलेल, पैरलेल का यहाँ पे स्पेलिंग बताना है। तो पैरलेल के यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग सही है, ए यानी कि पी ए आर ए डबल एल ई एल, ठीक है। पैरलेल का मतलब जानते हैं, पैरलेल का मतलब क्या होता है, समांतर होता है। अब बताइए इसका साइनोनिम यदि पूछ दे, पैरलेल का साइनोनिम पूछ दे तो क्या होगा, बताइए जी। बिल्कुल से पैरलेल का हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द साइनोनिम ऑफ द पैरलेल, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए हम बताते चल रहे हैं, आप पेन लेके लिखते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिया कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है माय डियर फ्रेंड्स। दिया है कि ही कैन प्ले ऑन स्पेस वायलिन। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन है, ठीक है, वायलिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वायलिन की जगह, वायलिन की जगह यहाँ पे गिटार भी हो सकता है, बेंजो भी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि ही कैन प्ले ऑन वायलिन, मतलब क्या रहता है, वह वायलिन बजा सकता है, ठीक है। यहाँ पे गिटार या फिर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो प्रीपोजिशन द का प्रयोग वहाँ पे होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। दिया है आइडेंटिफाई द एंटोनिम। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एंटोनिम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंटोनिम की जो सीरीज मैंने जो प्लेलिस्ट जो बना है, आप जाके उसको विजिट कर लिए, उसमें ये क्वेश्चन कराया गया है, ये क्वेश्चन उसमें करा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लैडेटरी, लैडेटरी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, लैडेटरी का मतलब होता है सराहने योग्य, यानी कि प्रशंसा करने योग्य, क्या होता है, प्रशंसा करने योग्य। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम। डिफामेट्री, यहाँ पे जी बिल्कुल सही, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट। दिया है कि डिफामेट्री इसका मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, ठीक है। यहाँ पे होता है इसका प्रशंसा करना, यहाँ पे क्या होता है, निंदा करना। निंदा करना की साइनोनिम क्या होगा, एक और बताइए जी, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी इसका साइनोनिम हो जाएगा, ब्लास्फेमी, उसके मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक के साथ एक और बताते चल रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बोनस है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और पेन लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करना है वो नोट करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दिया है कि अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड।
अब बताइए जो भी मेरे पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन जो पहले से जुड़े हुए हैं वो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कि एक ऐसी लिखावट जो आसानी से नहीं पढ़ा जा सके, विच कैन नॉट बी इजिली रीड, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? जी बिल्कुल सही, डी यानी कि इलिजिबल, क्या हो जाएगा? इलिजिबल। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए लगभग सब वही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे इसको केयर करने वाली बात है, आई डबल एल ई जी आई बी एल ई, इलिजिबल, ठीक है। और बताइए एक साथ ही साथ बताइए कि जो चीज़ पढ़ा जा सके वो क्या होगा, लिजिबल होगा, बिल्कुल सही। हैंड राइटिंग विच कैन बी इजिली रीड होगा तो वहाँ पे लिजिबल हो जाएगा, और विच कैन नॉट बी इजिली तो इनलिजिबल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया एक वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, मतलब कि वह जो किसी पुरुष का भला करे, ठीक है, किसी व्यक्ति का या पुरुष का क्या भला करे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं ना लोकोपकार, यानी कि किसी का उपकार करना, भला करना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? जी बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको कहते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट, क्या कहते हैं? फिलान्थ्रोपिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप लिख लीजिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट च्वाइस यहाँ पे करना है, ठीक है। दिया है कि ही न्यू, ठीक है, नो का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे दिया है कि ही न्यू यानी कि वह जानता है दैट यानी कि सोशल एविल्स वर वनली, मतलब कि सामाजिक बुराइयाँ केवल, स्पेस दिया है ऑफ द डीपर मेलेडीज, मतलब कि विकृतियों का जो है कि गहरी विकृतियों के क्या है यहाँ पे क्या फर्क जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है क्या, अभिव्यक्ति, क्या होता है, अभिव्यक्ति यानी कि मैनिफेस्टेशंस, यहाँ पे डी हो जाएगा, मैनिफेस्टेशंस, मतलब हो जाएगा कि वह जानता है कि सामाजिक बुराइयाँ केवल गहरी विकृतियों की क्या है, अभिव्यक्ति है। तो जब भी वर्ड कोई चुनने को कहे तो वहाँ पे कोई बेसिकली रूल नहीं होता है, वहाँ पे लॉजिक लगाया जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दिया कि आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, अब देखिए ये काफ़ी इजी वर्ड है लेकिन पूछा भी गया है, आप बताइए स्टूपिड का साइनोनिम बताइए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कौन हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि फुलिश। अब बताइए और इसका साइनोनिम क्या होगा, एक तो हो गया स्टूपिड, फुलिश, और क्या हो सकता है? जी बिल्कुल सही, और सिली होता है, सिली मतलब भी बेवकूफ़ होता है, फुलिश मतलब बेवकूफ, स्टूपिड मतलब बेवकूफ, अनवाइज भी हो जाएगा इसका साइनोनिम, अनवाइज, और इसका डम्ब हो जाएगा, अनइंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे इसके साइनोनिम है, और उल्टा करना होगा तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? साइनोनिम एंटोनिम सब साथ में जोड़ के चलते रहिए, एकदम सीखते रहिए, एकदम घबराइए मत, एकदम आप करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। नेक्स्ट दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन, माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कंजक्शन फिल करना है। दिया है कि ही वुड रैदर डाई स्पेस बेग, तो पेन उठा के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की जब भी रैदर आए तो रैदर के साथ क्या होता है, देन का प्रयोग किया जाता है, रैदर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, देन का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि वह भीख मांगने के बजाय क्या करेगा, मर जाएगा, ही वुड रैदर डाई देन बेग, समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि फ्रॉम एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, दिया है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का क्या करना है, एडजेक्टिव बताना है, बताइए, इट्स वेरी इजी। जी बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिया कि गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, रूफ का प्लूरल यहाँ पे बताना है, क्या हो सकता है 12वां क्वेश्चन? जी बिल्कुल सही, बी यानी कि रूफ्स, यहाँ पे एस लग जाएगा लास्ट में, सिंपल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। दिया कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड, दिया कि ही सॉरी हैड ही नोन, यहाँ पे भी नो का सेकेंड फॉर्म दिया हैड ही नोन, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि क्या वे खराब, यानी कि अबाउट हिज बैड हेल्थ, मतलब कि क्या वे अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में जानते थे, कामा ही, स्पेस दिया है कि हैव टेकन एडिक्वेट केयर, यानी कि जानते थे कि उसने पर्याप्त क्या किया, देखभाल होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यानी कि वुड हो जाएगा, यानी कि हैड ही नो अबाउट हिज बैड हेल्थ ही वुड हैव टेकन एडेक्यूएट केयर, यानी कि क्या वे अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में जानते थे कि उसने पर्याप्त देखभाल उनकी होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पेन उठा लीजिए। देखिए दिया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए दिया है कि द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स स्लैश ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ द शॉप्स, अब बताइए इसमें एरर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, क्योंकि दिया है कि द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, जब भी
कोई भीड़ की बात करे और एंग्री शब्द वहां पे हो तो क्या होता है, वहां पे मोब होता है, यहाँ पे हो जाएगा द मोब ऑफ एंग्री स्टूडेंट। मोब मतलब भी होती है कि एक ऐसी भीड़ जो कि क्या हो, हिंसा करने के लिए उतारू हो, ठीक है, मतलब क्रोधित भीड़ होता है, मोब होगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्राउड नहीं होगा, क्या होगा, मोब होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि टू सेट द पीपल बाय ईयर, इसका मतलब होता है यहाँ पे इडियम फ्रेज का जो है कि मीनिंग बताना है, तो इसका मतलब होता है कि लोगों से झगड़ा करना, ठीक है, कुछ लोग जैसे कि आप बताइए कि ईयर मतलब क्या होता है, कान, और किसी व्यक्ति को कान से मतलब ऐसे कान ऐठ के उसका सेट करना, उसको समझाना, यानी कि झगड़ा के लिए हमेशा क्या होना, उतारू रहना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, यानी कि झगड़ा के लिए हमेशा क्या करना, उतारू रहना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही इजी है, यहाँ पे बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिखाते हैं आपको। दिया हुआ है यहाँ पे कि ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही है, दिया है कि ही आस्क्ड मी वेदर, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स घबराने की जरूरत नहीं, कभी यहाँ पे इफ़ लगेगा कभी ये वेदर लगेगा, तो दोनों सही है, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बहुत ही ईजी है, नेक्स्ट देखते हैं, 17वां दिया है, लास्ट है ये, कि चेंज द वॉइस, दिया है कि पीपल कम क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सर्वल सिटीज, तो यहाँ पे बताइए इसका वॉइस इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द सस्पेक्ट इज, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन इन द सर्वल सिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे सीन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ आप समझ पाए होंगे, तो माई डियर फ्रेंड्स कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके 17 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और माय डियर फ्रेंड्स मेरी कोई बात मानिए या मत मानिए, लेकिन एक बात जरूर मानिए कि आप डेली कम से कम यार एक से दो प्रैक्टिस सेट आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है, और ये भी जो इतने भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ मैं उसको बार बार आप देखते रहिए, ताकि आपको वो चीज़ ना भूले पाए, यार आप एग्ज़ाम दे के आए तो ये मत कमेंट करके बोलिएगा कि सर आप जो पढ़ाए थे उसमें से नहीं आया था, या फिर ये भी मत बोलिएगा कि नहीं यार आप पढ़ाए थे सर तो हमें भूल गया था मतलब वो चीज़, नहीं मैं कहता हूँ कि आप उसको देखिए और उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, जैसे आप लिखेंगे तो लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर लिखिए और एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन को एकदम केयरफुली जब उसको पढ़ेंगे ना तो आपको हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अब बहुत सारा आइडिया मिल गया है। जो कैंडिडेट शुरू में हमसे जुड़े थे तो उनका अभी रेशियो था, किसी का 8 नंबर सही होता था, किसी का 9 सही होता था, लेकिन अब वही फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं सर मेरा 12 हो रहा है, 14 हो रहा है, 15 हो रहा है, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसी की तरह साथ अभी करते रहिए, अभी कम से कम 10 दिन का समय है, आप कर सकते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डू। तो इसी के साथ इस वीडियो का समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।